हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कल 20th था दोस्तों और बहुत सारा कंटेंट आया था। किसी की भी बस की बात नहीं है कि सारा कंटेंट वो एक बारी मैं देख पाता। अब बहुत सारा कंटेंट जो आया था वो अब भी आज भी मैं देख रहा हूँ। 6-7 चीज़ें आज भी कंप्लीट करूँगा और आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा। आज मैं जो आपको सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है द चेयर और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। और शायद बहुत से लोगों को अपने स्कूल की याद आ जाएगी जब वो, या यूनिवर्सिटी की याद आ जाएगी जब वो ये पर्टिकुलर सीरीज़ देखेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं ज़्यादातर ये ड्रामा है बट बहुत हद तक ये कॉमेडी के उनके अंदर है और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा सटायर भी है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आज भी चाहे वो कोई भी कंट्री हो, फिरंगी भी कंट्री हो, चाहे वहाँ पर भी जो वुमेन की जो स्थिति है वो अभी भी मेन के बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं उस टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा छेड़ता है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट यहाँ सीरीज़ में भी दिखाया गया मेन और वुमेन आर इक्वल। तो आपको यहाँ पर 6 एपिसोड देखने होते हैं जो करीबन 30 मिनट के ईच हैं और अगर नामकरण हटा दोगे तो 25 मिनट के ही होंगे। फनी सटायर है जैसे मैंने बोला। और यहाँ पर जो स्कूल और प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी दिखाई हुई है पेम्ब्रोक की, वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना बिल्कुल लैविश तरीके से दिखेगी। और इसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखना है। ये मोहब्बतें वाली प्रतिष्ठा नहीं है, ये जेन्युइन रेपुटेशन है, इससे कोई खेल नहीं सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर जीयू किम, और ये जो लेडी है ये पहली बार चेयर बनती है इंग्लिश डिपार्टमेंट की। अब इसका रेपोगेशन दोस्तों क्या होता है इसका, और इसका इन्फ्रेंस आप क्या निकाल सकते हैं कि इसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज तो दोस्तों यही है कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये वुमन है और वुमन को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि हमेशा जो चेयर करते हैं वो मैन करते हैं और वुमन को क्या क्या डिफिकल्टी आती है कि उसके नीचे भी मैन है, उसकी सुनते हैं कि नहीं सुनते और सुनते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो डिलीवर होती हैं दोस्तों चैलेंजेस, ये बड़ी फनी तरीके से होती हैं, डायलॉग्स भी बड़े फनी होते हैं। ये अंडरलाइन कारण तो है ही। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जीयू किम जो है दोस्तों वो एशियन है। तो इससे पहले कोई एशियन जिनको ये कलर्ड बोलते हैं वो नहीं बना है, हमेशा अमेरिकन ही बने हैं। तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई एशियन बनेगी। और तीसरी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जिसे ना एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाएगा पर आप ये नोटिस करोगे कि ना एक ओल्ड फैकल्टी है और एक न्यू फैकल्टी, यानी ओल्ड सेट ऑफ टीचर है और न्यू सेट ऑफ टीचर है। ओल्ड वाले एक्सपीरियंस्ड हैं बट एट द सेम टाइम उनके जो मेथड्स हैं वो थोड़े शायद थोड़े पुराने हो गए और वो ना जिसे कहते हैं ना पेविंग द वे फॉर न्यू वंस नॉट हैपनिंग। तो जो नए वाले हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं कि आज के जो बच्चे हैं उनकी अलग तरीके की सोच है, वो अलग तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, अलग तरीके से एजुकेशन को कंज्यूम करना चाहते हैं, कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। और शायद ओल्डीज़ का जो मेथड है वो शायद थोड़े से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जिसकी वजह से रिजल्ट भी डाउन हो रहे हैं। तो नए वालों के लिए वेव हो नहीं रहा है। तो इन दोनों की जो टसल होती है पुराने और नए वालों की, ये डॉक्टर किम कैसे सॉल्व करती है वो है। और साथ ही साथ में उसकी 2 पर्सनल और कॉम्प्लिकेशन चल रही है। एक उसकी थोड़ी सी लव लाइफ तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बताना नहीं चाहता, उसको छोड़ दो आप। लास्ट वाले के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। जो उसका एक एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके भी काफ़ी ज़्यादा नखरे हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा टैंट्रम्स हैं। अब ये सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करती है और उसके बाद क्या ये यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट में चेंज ला पाती है कि नहीं ला पाती है, वो सबसे बड़ा सटायर है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी को ये लगता है कि अगर फिरंगी कंट्री है तो इनकी नेचुरल मदर टंग जो है वो इंग्लिश है और इंग्लिश तो इनको आनी ही चाहिए। दोस्तों ऐसा होता नहीं, ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन स्पेलिंग्स। और बहुत हद तक ना एक नेचुरल स्पोकन इंग्लिश होती है, फिर आप कह सकते हैं एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है और उसके बाद एक क्वींस इंग्लिश भी होती है। थोड़ा गूगल कर लेना, इन सब इंग्लिश में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। क्वींस इंग्लिश आप समझ लीजिए कि हिंदी की खड़ी बोली है, जैसे उस तरीके की हो गई। तो अब ये जो रोल निभाया है जेयू किम ने, सैंड्रा ने, वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया। शी इज़ वेरी नेचुरल और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी बहुत सी वार्म टीचर्स होती हैं जो जेन्युइनली कुछ चेंज लाना चाहती हैं। और आपको इस पर ना तरस भी आएगा, ऐसा लगेगा कि हर तरफ से इसको बॉम्बार्डमेंट हो रही है तो बेचारी को यार छोड़ दो। पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो। और साथ में इसका एक और कंपेनियन बोल लीजिए और एक और टीचर बोल लीजिए, फिलहाल के लिए इतने तक ही रखते हैं, जे डुप्लास। ये जो हैं इनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। ये प्रोफेसर बिल यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे को इनका रोल इसलिए अच्छा लगा कि भाई साहब ये बहुत ही ना कंप्लेसेंट टाइप के आदमी होते हैं ना, मतलब क्योस में भी इनको शांति है। ये उस तरीके के आसपास इतना क्योस है लेकिन ये फिर भी शांति में से भरा हुआ इंसान है। बहुत ही फनी है और हर चीज़ को कैजुअल लेता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी लाइट हार्टेड सी ये सीरीज़ है बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इट ऑल्सो challenges our beliefs for the Firangi Western countries, what we believe for them that they are very appropriate, upright, they understand English very well spoken or written, और उनके जो प्रोसेसेस होंगे और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी एकदम बिंदास होंगी, एकदम टिच होंगी। तो वो यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है, स्टूडेंट्स उनके कैसे थोड़े से आनाकानी भी करते हैं और कियोस्क क्रिएट करते हैं, ये सब आपको दिखेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी बच्चे ऐसे नॉटी होते हैं। तो देखिए अच्छी है, लाइट हार्टेड सी है। मेरी तरफ से दोस्तों इसको रहेगा B+ स्कोर। जहाँ पर इसके नंबर थोड़े से ये कटेंगे कि कई बार इसकी पेस ना काफ़ी है, जेन्युइनली काफ़ी फास्ट पेस हो जाती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा यार थम जाओ, बिकॉज एक्सेप्ट डॉक्टर किम जो कि सैंड्रा ने निभाया है, उसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो आपको फ़नी तो लग रहा होता है पर उनकी मनोदशा ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते हो, उनके चॉइसेस और उनका बिहेवियर ज़्यादा समझ नहीं पाते हो, क्योंकि उनकी लाइफ में ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया गया है। और दूसरा जो कैरेक्टर है जो आपको थोड़ा सा और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसकी लाइफ में भी थोड़ा सा घुसा गया है, जो कि जय का कैरेक्टर है, प्रोफेसर बिल का। तो देखो मज़ेदार है, क्लीन सी है, मज़ा आएगा। आप अगर फैमिली के साथ भी देखोगे तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसके अंदर। डायलॉग्स भी नीट हैं और कोई ऐसे मतलब कोई प्रोफेनिटी भी नहीं है, और क्लीन है, कोई न्यूडिटी भी नहीं है इसके अंदर। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी फटाफट से आपको रिव्यू मिलेंगे सबसे पहले। बाय बाय।